हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं व्रत उपवास के लिए फलहार की रेसिपी, जो कि एकदम हेल्दी होगा। फ्रेंड, खाने के बाद दिन भर आप तरोताजगी से भरे रहेंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हम ये 500 ग्राम शकरकंदी लिए हैं, उसको अच्छी तरह से धुल कर साफ़ कर लिए हैं, लगड़ लगड़ कर। इसमें मिट्टी बहुत सारा होता है फ्रेंड। तो उसके बाद हम इस तरीके से छिलनी की सहायता से छील लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम शकरकंदी को छील लिए हैं, तो अब हम मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं एकदम जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बस थोड़ा कद्दूकस करने में ही जो समय लगेगा, बाकी बनाने में समय नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं, एकदम लच्छेदार कद्दूकस हो रहा है। तो इसी तरह से आपको भी कद्दूकस करना है फ्रेंड। ध्यान रहे फ्रेंड कि एकदम ताज़ा फ्रेश शकरकंदी लेना है, नहीं तो बहुत शकरकंदी का टेस्ट अच्छे नहीं होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इसी तरह से सारे शकरकंदी को छीलकर कद्दूकस करना है फ्रेंड। जब आप इस रेसिपी को बनाकर फलाहार करेंगे तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा और तरोताजगी बनी रहेगी। तो फ्रेंड, हम 500 ग्राम शकरकंदी को छीलकर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, 500 ग्राम शकरकंदी में कम से कम आपको 700 ग्राम के करीब दूध लग जाएगा बनाने में इस रेसिपी को, तभी आपके रेसिपी अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इधर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए थे, तो एक चम्मच खाने वाले चम्मच से घी डालेंगे फ्रेंड, देसी घी। तो फ्रेंड, फलाहार के लिए बना रहे हैं तो घी में ही बनाइएगा, घी में ही अच्छे टेस्ट आएंगे। तो अब हम सारे शकरकंदी को डाल देंगे कद्दूकस किए हुए। तो लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड, शकरकंदी ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ता है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है शकरकंदी। घी के साथ अच्छे से मिलाते रहना है लो फ्लेम में फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, शकरकंदी हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसको ढके भी नहीं हैं, ऐसे ही पका रहे हैं बिना ढके। आप चाहे तो थोड़ा बहुत ढक भी सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालकर पकाने से क्या होता है फ्रेंड, जब हम दूध डालेंगे तो दूध फटने का चांसेस नहीं रहते हैं, अभी पक जाता है। तो फ्रेंड, हम चीनी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शकरकंदी भी मीठा होता है फ्रेंड। तो हम खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच चीनी ऐड कर दिए हैं। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। तो 1 मिनट तक पका लेंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड शकरकंदी के साथ। तो आप देख सकते हैं, शकरकंदी के साथ चीनी मेल्ट होने लग गया है, चीनी पानी रिलीज करने लग गया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो 1-2 बार और अच्छे से मिला लेते हैं। एकदम गैस के फ्लेम को लो करके ही रखना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, चीनी मेल्ट हो गया है अच्छे से और शकरकंदी भी पक गया है। तो
तो फ्रेंड इस तरीके से चीनी डालकर पका लेंगे पहले, तो एकदम आपका खिला खिला शकरकंदी रहेगा, मेल्ट नहीं होगा, एकदम दानेदार खीर बनकर तैयार होगा फ्रेंड। तो अब हम इसमें 3 पाव के करीब दूध डालेंगे। दूध हम पहले से गर्म करके रखे थे फ्रेंड, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना ठंडा है और ना गर्म है। तो दूध को हम डाल दिए हैं फ्रेंड, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि उबाल आ जाए दूध में। तो फ्रेंड हम फ्लेम को हाई कर दिए हैं, उबाल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड दूध में हल्का हल्का उबाल आने लग गया है, तो अच्छी तरह से दूध में उबाल आने देंगे। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दूध में अच्छी तरह से उबाल आने लग गया है। तो गैस के फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। तो फ्रेंड अब हम इसमें टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे हमारे खीर में अच्छे टेस्ट आएंगे। और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डालेंगे फ्रेंड, ताकि खाने में भी अच्छे लगेंगे और हमारे शरीर के लिए भी अच्छे रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। तो ड्राई फ्रूट में हम थोड़ा काजू और किशमिश डाल देंगे, आप अपने मनपसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं फ्रेंड। तो खीर हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्रेंड हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड चलिए हम थोड़ा काजू बादाम डाल देते हैं, किशमिश, और अच्छी तरह से मिला दिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड एकदम दानेदार खिला खिला खीर दिख रहा है। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को, और इसको ढककर 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही सर्व करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसका टेक्सचर अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं खीर को थोड़ा ठंडा होने दिए हैं, तो खीर ठंडा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। खीर को आप जितना ही ठंडा करके खाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा और अच्छा लगेगा देखने में। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर फ्रेंड कितना गाढ़ा, एकदम दानेदार खीर बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये हेल्दी, एनर्जी से भरपूर बर्थ स्पेशल फलाहार की रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले फ्रेंड। तो हम थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम लग रहा है कि चावल का खीर है फ्रेंड। तो बहुत सा लोग क्या करते हैं कि फलाहार ही करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि सेंधा नमक खा लेते हैं, लेकिन हम लोग तो नमक नहीं खाते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा खीर बनकर तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।